हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनल वेरिएशंस इस वीडियो में और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन थीम फोर्टीन चैप्टर हमारा है फाइव बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री उसका ये सिक्स सिक्स टॉपिक है क्लास ट्वेल्व एन हिस्ट्री का बुक है तो उम्मीद है आप लोग को समझ जाएगा लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपको इस वीडियो में लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि और कहीं नहीं मिलेगा आपके साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा उसे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी चलिए बिना के फटाफट शुरू करते हैं रीजनल वेरिएशन यानी कि क्षेत्रीय विविधताएं बैकग्राउंड में अगर कभी वहीकल की आवाज से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसके लिए सॉरी एक्सपीरियंसिस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल वी हैव बिन डिस्कसिंग सो फार रिलेट टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उप महाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे वट वॉज द पार्टीशन लाइक इन बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार सेंट्रल इंडिया एंड द डेन आइए देखें कि बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार मध्य भारत और दखन के विव... में विभाजन किस रूप से सामने आया वाइल्ड इन कैलका एंड नाउ खाली वॉज मोस्ट ब्लडी एंड डिस्ट्रक्टिव इन द पंजाब कलकत्ता और नोआखाली में उन्नीस में भी जनसंहार हो चुके थे लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया द नियर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिंदूज एंड सिक्स ईस्ट वर्ड्स इन टू इंडिया फ्राम वेस्ट पंजाब एंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स टू पाकिस्तान शॉर्ट पीरियड ऑफ टू ईर्स एंड नाइनटीन फोर्टी एट पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदू और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया और यह सब कुछ उन्नीस से अड़तालीस के बीच महज दो साल में हो गया मेनी मुस्लिम फैमिलीज ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार एंड मध्य प्रदेश एंड हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश कंटिन्यू टू माइग्रेट टू पाकिस्तान थ्रो द नाइन फिफ्टीज़ एंड अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज़ ऑल द मेनी चूज टू रिमेन इन इंडिया उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और हैदराबाद आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार पचास से दशक और आठ साठ के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे लेकिन बहुत सारों ने बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया मोस्ट ऑफ़ दिस उर्दू स्पीकिंग पीपल नोन एज माइग्रेंट्स इन पाकिस्तान मूव टू द कराची हैदराबाद रीजन इन सिंध ऐसे ज्यादातर उर्दू भाषी लोग जिन्हें मुहाजिर और प्रवासी कहा जाता है सिंध के कराची हैदराबाद इलाके में बस गए इन बंगाल द माइग्रेशन वोर प्रोट्रेक्टेड विथ पीपल मूविंग पोरस बॉर्डर बंगाल में यह पलायन ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा लोग ढीली ढाले अंतरराष्ट्रीय सीमा के आर पास जाते रहे दिस ऑल्सो दैट द बंगाली डिवीज़न प्रोड्यूस ऑफ सफरिंग दैट मी है इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रहे

पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्वि राष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और उन्नीस सौ में बांग्लादेश की स्थापना हुई जाहिर जाहिर है इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया देर इज सिमिलरिटी बिटवीन द पंजाब एंड बंगाल एक्सपीरियंसेस इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं इन बोथ दीज स्टेट्स वुमेन एंड गर्ल्स बिकेम प्राइम टारगेट्स ऑफ परसिक्यूशन दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया टेकिंग रिवेंज हमलावर औरतों की देह को जीते ज... जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्यवाही के रूप में देखा जाता था अब है हमारा सेवेंथ टॉपिक हेल्प ह्यूमिनिटी हारमनी यानी कि मदद मानवता सद्भावना ब्यूरियड अंडर द डेबरीस ऑफ द वायलेंस एंड पेन ऑफ पार्टीशन इज एन इनमे हिस्ट्री ऑफ हेल्प ह्यूमिनिटी एंड हारमनी हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है मेनी रेरेटिव सचेज अब्दुल लतीफ्साइ सॉरी पोग्नेट टेस्ट मोनी विथ विच वी बिगेन रिवील दिस हिस्टोरियंस ऑफ डिस्कवर्ड न्यूमरसोपल्पीच अदर ड्यूरिंग एंड शेयरिंग ऑफ दिंग अब्दुल लतीफ के मरमस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृतान्तों में इस बात का पता चलता है इतिहासकारों ने इस अजय की अनगिनत कहानियां उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौकों के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियां हैं कंसीडर फॉर इंस्टेंस द वर्क ऑफ खुसदेव सिंह ए सिख डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्योलॉजिस पोस्टेड एट धर्मपुर इन प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश इस लिहाज से खुसदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है खुसदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है Immersing himself in his work day and night, the doctor provided that rare healing touch, food, shelter, love, and security to new, numerous migrants—Muslim, Sikh, Hindu alike. The residents of Dharampur developed the kind of faith and confidence in his humanity and generosity that Delhi Muslims and others had in Gandhiji. दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों सिखों हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श भोजन आश्रय और सुरक्षा प्रदान की धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसे दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था वन ऑफ दे मोहम्मद उमर रोड टू खुशदेव सिंह विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी आई बेग टू स्टेट दैट आई डू नॉट फील माई सेल्फ सेफ एक्सेप्ट अंडर योर प्रोटेक्शन दे फॉर इन ऑल काइंडनेस बी गुड इनफ टू ग्रांट मी अ सीट इन योर हॉस्पिटल उनमें से एक मोहम्मद उमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती इसीलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए वी नो अबाउट द ग्रोलिंग रिलीफ वर्क ऑफ दिस डॉक्टर फ्रॉम अ मेमोर ही इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉगर देन हेट ए रिमेंबरेंस ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन से पता चलता है यहां डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी उन्होंने उन्नीस में कराची की दो संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया ओल्ड फ्रेंड्स एंड दोज होम ही हैड हेल्प्ड एट धर्मपुर स्पेंड फ्यू मेमोरेबल आवर्स विथ हिम एट कराची एयरपोर्ट सिक्स पुलिस कांस्टेबल्स अर्लियर एक ज दल्यूट विद फोल्डेड हैंडर्स इन माई आईज उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला पहले से उन्हें जानने वाले छः पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए और जहाज पर चढ़ते हुए सलामी दी मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया मेरी आंखों में आंसू थे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ओरल टेस्ट एंड हिस्ट्री यानी कि मौखिक गवाही और इतिहास हैव यू टेकन नोट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन दिस चैप्टर क्या आपने उन चीजों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है ओरल नेरेटिव मेमोइज डायरीज फैमिली हिस्ट्री फर्स्ट हैंड रिटर्न अकाउंट्स ऑल दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मौखिक वृतांत संस्मरण डायरिया पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे इन सबसे तकसीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है मिलियंस ऑफ पीपल पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ सफरिंग्स एंड द चैलेंजेस ऑफ द टाइम्स फॉर देम इट वाज नो मेयर कंस्टिट्यूशनल डिवीजन और जस्ट द पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ द मुस्लिम लीग कांग्रेस एंड अदर्स फॉर देम इट मीन द अनएक्सपेक्टेड एलिट्रेशन इन लाइफ एज इट अनफोल्डेड बिफोर बिटवीन नाइनटीन एंड नाइनटीन एंड रिक्वायरिंग साइकोलॉजिकल इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक सियाह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था उनके लिए यह जीवन के अनपेक्षित बदलावों का वक्त था से 50 की और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और सामाजिक की जरूरत थी। शुड एज ए पॉलिटिकल इवेंट द मीनिंग अटैच टू इट बाई दो रियलिटी ऑफ एन इवेंट यूरोपीय महाध्वंस होलो कॉस्ट की तरह हमें इस विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इससे गुजरने वाले गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए किसी घटना की हकीकत को स्मृति और अनुभवों से आकार मिलता है वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ पर्सनल रिमिनि वन टाइप ऑफ ओरल सोर्स इज दैट इट हेल्प्स अस ग्राफ्स एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज इन डिटेल व्यक्तिगत स्मृतियां जो एक तरह का मौखिक स्त्रोत है कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है इट इनेबल्स टू टू राइट रिचली टेक्सचर्ड विविड अकाउंट्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग सच पार्टीशन इसे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृतांत लिखने की काबिलियत मिलती है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियाँ हासिल करना नामुमकिन होता है द लेटर डील विद पॉलिसी एंड पार्टी मैटर्स एंड वेरियस स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन द केस ऑफ पार्टीन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड फाइल्स एज वेल एज द पर्सनल राइटिंग्स ऑफ हाई लेवल फंक्शनरीज थ्रू एम्पल लाइट ऑन और बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मेजर पोलिटिकल पार्टीज अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑन द रिहेबिलिये ऑफ दे टेल अस लिटिल हवेबर अबाउट द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ दोज दोफेक्ट बाई गवर्नमेंट्स डिसीजन टू डिवाइड द कंट्री सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों का आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफी रोशनी पड़ती है लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोजमर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता Oral history also allows historians to broaden the boundaries of their discipline by rescuing from Olivian the lived experiences of the poor and the powerless. Those of, say, Abdul Latif's father, the woman of Thoa Khalsa, the refugee who retailed wheat at wholesale prices. Eking out a paltry living by selling the gunny bags in which the wheat came. ए मिडिल क्लास बंगाली विडो बेंट डबल ओवर रोड लेइंग वर्क इन बिहार ए पेशावरी ट्रेडर हु थॉट इट वाज वंडरफुल टू लैंड अ पेटी जॉब इन कटक अपॉन माइग्रेटिंग टू इंडिया बट आस्क वेयर इज कटक इट इज ऑन द अपर साइड ऑफ हिंदुस्तान और द लोअर वी हैवेंट क्वाइट हर्ड ऑफ इट बिफोर इन पेशावर मौखिक इतिहास इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों मसलन अब्दुल लतीफ के पिता थुआ खालसा की औरतों गेहूं के खाली बोरों को बेचकर चार पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों बिहार में बन रही सड़क पर काम की बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यम वर्गीय बंगाली विधवा एक पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी लेकिन जिसे यह मालूम नहीं था कि कटक कहाँ है या हिंदुस्तान से ऊपरी के हिस्से में है या निचले हिस्से में है पेशावर में तो हमने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं कि अनुभवों को उपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों की ओर फैलाने का मौका मिलता है दस मूविंग बियॉन्ड द एक्सेंस ऑफ द वेल ऑफ एंड द वेल नोन दरल हिस्ट्री ऑफ पार्टीड इन एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ दोन एंड वुमेन टू बीन इग्नोर्ड टेकन फॉर ग्रांटेड और मैंसन ओनली इन पासिंग इन मेन स्ट्रीम हिस्ट्री इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की, की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नजरअंदाज कर दिया जाता था सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था या जिनका मुख्य धारक इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था दिस इज सिग्निफिसेंट बिकॉज द हिस्ट्रीज दैट वी रीड ऑफ एन रिगार्ड द लाइफ एंड वर्क ऑफ द मास ऑफ द पीपल इन द पास्ट एज इनएक्सेसिबल और अनइम्पॉर्टेंट यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यो को अक्सर पहुंच के बाहर यह महत्वहीन मान लिया जाता है येट मेनी हिस्टोरियंस स्टिल रिमेन स्पेक्टिकल ऑफ ओरल हिस्ट्री अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में संकालू ओरल डेटा टू लैक कंक्रीटनेस एंड द क्रोनोलॉजी दे इम्प्रेसाइज वे इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वे अक्सर सही नहीं होता। लार्ज पिक्चर कैनॉट बी बिल्ड फ्रॉम सच माइक्रो एविडेंस एंड वन विटनेस इज नो विटनेस इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीज, नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीरें नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता दे ऑल्सो थिंक दैट ओरल अकाउंट्स आर और टेंजेंसियल इशूज एंड द स्मॉल इंडिविजुअल रिमेन इन मेमोरी आर टू द अनफोल्डिंग ऑफ लार्जर प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की बेहतर प्रक्रियाओं के कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं हाव इवर विथ रिगार्ड टू इवेंट सजेस पार्टीशन इन इंडिया एंड द होलोकॉस्ट इन जर्मनी देयर इज नो डियर थॉट टेस्टोनोमी अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रेस दट न्यूमरस पीपल फेस्ट भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया सो देयर इज एम्पल एविडेंस टू फिगर आउट ट्रेंड्स टू पॉइंट आउट एक्सेप्स इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है बाई कंपेयरिंग स्टेटमेंट ओवरऑल और रिटर्न बाई कोरोबोरेटिंग वट दे With findings from other sources and by being vigilant about internal contradictions historians can weigh the reliability of a given piece of evidence furthermore if history has to record, accord presence to the ordinary and powerless then the oral history of partition is not concerned with tangential matters इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर अंतरविरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य को की विश्वसनीयता को तोल सकते हैं इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमजोरों के मौजूद वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है The experiences it relates are central to this story so much so that oral sources should be used to check out other resources and vice versa. Different types of sources have to be government reports for sorry, have to be tapped for answering different types of questions. Government reports, for instance, will tell us the number of recovered women exchanged by the Indian and Pakistani states, but it is the women who will tell us about their suffering. विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्त्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्त्रोत्रों तथा मौखिक मौखिक स्त्रोतरों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्त्रोतरो को ढूंढना ही होगा मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्ट से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों दोनों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता चल जाता है लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या उन पर क्या कुछ भी थी इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं

स्ट मे नॉट वर्सनल एक्सपीरियंस वाइफेंस रेप्डिजर टूटल मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी नहीं हो मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था इंटरव्यूअर्स हैव टू ऑफ अवॉइड इंक्वायरिंग इनटू पर्सनल ट्रॉमास। साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आम तौर पर परहेज करना चाहिए दे हैव टू बिल्ड कंसिडरेबल रैपर्ट विथ रेस्पॉन्डमेंट्स बिफोर दे कैन ऑप्टेन इन डेप्थ एंड मीनिंग डेटा देन दे आर प्रॉब्लम्स ऑफ मेमोरी व्हाट पीपल रिमेंबर और फॉरगेट अबाउट एन इवेंट वेन दे आर इंटरव्यूड अ फ्यू डिकेट्स लेटर विल रिपेन इन पार्ट ऑफ दियर एक्सपीरियंस और द इंटरव्यू Intervening years on what has happened सी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते है या भूल जाते हैं या आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है की बीच के सालों के उनके अनुभव किस तरह के रहे हैं इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या क्या हुआ है दोरल हिस्टोरियन फेसेज द डॉन्टिंग टास्क ऑफ हैविंग टू शिफ्ट द एक्चुअल एक्सपीरियंसेज ऑफ पार्टीशन फ्रॉम अ वेब ऑफ कंस्ट्रक्टेड मेमोरीज मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है इन द फाइनल मेनी डिफरेंट ऑफ ऑफ सोर्स मटेरियल हैव टू टू बी कंस्ट्रक्ट अ अकाउंट्स पार्टीशन सो दैट वी सी इट नॉट ओनली एज एन इवेंट एंड प्रोसेस बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ दो लिव थ्रो दोटिक टाइम्स इस कर्सता विभाजन का एक सम, समग्र वृतांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम उसी एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को समझ सकें जो उस सियाह खोफनाक दौर से गुजर रहे थे और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है उम्मीद आप लोग को समझ आया होगा लाइन पे लाइन एक्सप्लेनेशन मिला ही था इतना मेहनत किया है तो एक लाइक तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में